कंपोनेंट्स को कैसे कैसे सेपरेट करेंगे यानी क्या क्या होगा तो कैसे कैसे सेपरेट करेंगे मान लो आपके पास में मिट्टी और पानी दिया हुआ है मिक्स है मिट्टी और पानी मतलब जिसको बोल सकते हैं हम पानी में अगर कुछ मिलावट गंदगी है, है ना डस्ट इन वाटर वगैरह ऐसा कुछ है क्ले इन वाटर है तो इसको हम फिल्ट्रेशन से कर सकते फिल्ट्रेशन तो हमने देखा पिछली बार फिल्ट्रेशन से हम उसको यानी अलग अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक से इसमें फ़िल्टर पेपर के ऊपर वो जो डस्ट पार्टिकल है क्ले वगैरह वो आ जाएगा और नीचे फिल्टर पेपर के नीचे प्योर वाटर आ जाएगा सो दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक सो एक्चुअली देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स वी शुड नो हाउ दैट डिफरेंट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इन द डिफरेंट वे आवर डे लाइफ वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग मान लो अभी ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ब्लू कलर को एक डाई से निकालना है चलो मैं इसके जगह दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको ऐसा समझ लो सबको पता है सब लोग आर्ट जानते हैं चित्र सबको बनाते आता है ड्राइंग सबको आती है ऑरेंज कलर इज अप ऑफ बताओ आप लोगों को पता है अच्छे से पता है ऑरेंज कलर किस से बना हुआ है येलो और रेड से है ना अब येलो और रेड दोनों मिक्स हैं इसको भी अलग अलग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जैसा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर पानी है पानी में अगर अल्कोहल मिक्स है उसको कैसे कैसे अलग करेंगे तो बिल्कुल दोनों लिक्विड है दोनों एक साथ मिक्स हो गए फिर भी उनको अलग अलग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जैसे नीले रंग के इंक है और पानी में मिक्स है या काले रंग के इंक है पानी में मिक्स है उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं तो क्या करना है ये आपको एक फिगर दिख रही है इसमें देखो जहां पे ऊपर दिया है वॉच ग्लास वो वॉच ग्लास के ऊपर जिस इंक को आपको सेपरेट करना है दैट इंक यू एक्चुअली ये जो प्रोसीजर दी हुई ना इस प्रोसीजर में बहुत ही स्लोली स्लोली आप वो इंक में जो पानी है दैट वाटर कैन बी इवेपोरेटेड एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन टेक्निक तो धीरे 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 पानी को इवेपोरेट करते हैं ऐसी टेक्निक है क्या किया है बिकर है ना इस बीकर में पानी लिया हुआ है और उसको ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर लगा कर नीचे से उसको गर्म किया हुआ है सो वंस यू आर स्टार्टेड उसको गर्म करना अगर जैसे स्टार्ट कर देंगे तो पानी बॉयल होगा बॉयल होगा तो वेपर्स आएंगे ऊपर तो वाच ग्लास गर्म होगा दैट इज़ टेक्निक वाच ग्लास गर्म होगा तो वाच ग्लास के अंदर जो ऊपर में इंक रखी हुई वो गर्म होगी तो इंक में से सिर्फ पानी पानी इवेपोरेट होगा ऐसा वो वेपर्स दिख रहे हैं ना इंक में से सिर्फ पानी पानी इवेपोरेट होगा और जो इंक है वो इज वहाँ रहेगी तो ये किसी भी इंक के साथ हो सकता है कोई भी कलर की डाय अगर एक आधे लिक्विड में मिक्स है तो उसको हम इवेपोरेशन टेक्निक से अलग कर सकते सो दैट डाई कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम दैट वाटर कंपोनेंट ये दिया हुआ है so अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल में हमको पता है रोज दूध वाला दूध लेके आता है हमारे घर में और दूध में सबको पता है कि क्रीम और पानी होता है सोल्यूशन दूध में क्रीम और पानी है तो क्रीम को हम कैसे अलग कर सकते दूध में जो क्रीम है इस क्रीम को हम कैसे अलग कर सकते पानी से तो ये क्रीम को पानी से अलग अलग करने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन आपको अगर पता हो तो देखो अगर पैथोलॉजी लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल अगर लेते हैं तो ब्लड सैंपल जब लेते हैं तो ब्लड सैंपल में से हमको पता है कि ब्लड ब्लडी जल्द देखो को है कोलेडल सोल्यूशन क्योंकि ब्लड में भी प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं सब कुछ है तो ब्लड सेल्स के अगर टेस्ट करना है तो प्लाज्मा अलग निकालेंगे प्लाज्मा के टेस्ट करना है तो सेल्स अलग से निकालेंगे तो उसमें सेंट्रव्यूज़ मशीन लेते हैं वो सेंट्रव्यूज़ मशीन कैसे होती है हम देखते हैं हमारे पास में मैंने इसको आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है तो देखो ये ये सेंट्रव्यूज मशीन है ये ब्लड सेंट्रफ्यूज मशीन है ऐसी मशीन है ये वाली सेम है मशीन दोनों इसको पैक करने के बाद ऐसे दिखेगी आप लोग इसी के इसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए ये वाली मशीन की तरफ ब्लड सेंटर को मशीन की तरफ इसमें देखो छोटे छोटे आपको ऐसे यानी छोटे छोटे टेस्ट टाइप में दिख रहे थे उसमें तो क्या करते हैं जिस भी चीज को जिसमें से जैसा मिल्क में से अगर क्रीम निकालना है तो उसको क्या करेंगे ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेके ऐसे रखेंगे या ब्लड में से ब्लड अलग करना है प्लाज्मा अलग करना है तो टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को उस जितने भी छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स के होल्डर्स है ये नीले रंग के जो दिख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब होल्डर्स है टेस्ट ट्यूब होल्डर्स के अंदर उसको फिट करेंगे और फिर उसको घुमाएंगे अब देखो हैंडमेड मशीन एक है ये वाली ये देखो ना सेंटर ब्रिज मशीन चार ट्यूब वाली दिख रही है चार ट्यूब वाली सेंटर बिज मशीन दिख रही है इसमें क्या करते हैं चार टेस्ट रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो मेरी गोराउंड जैसे नहीं कैसा घूमेंगे तो क्या होगा जो लिक्विड लिक्विड है और नीचे नीचे अपना सॉलिड सॉलिड पार्ट है जो इसमें ब्लड में समझ लो यानी रेड कलर का वो नीचे नीचे सेटल हो जाएगा और प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ना लिक्विड लिक्विड ऊपर रहेगा वैसे पानी का भी ऐसे होता है पानी पानी जो है वो ऊपर रहेगा दूध में और दूध की जो क्रीम क्रीम है नीचे हो जाएगी तो सेंटर मशीन घर पर बहुत बार ये जो बनाते हैं ना अपना घी वगैरह मम्मी वगैरह बनाती है तो काफ़ी ये लोग यूज़ भी करते हैं ये है क्लिनिकल इसमें सेंट्रफ्यूज मशीन इस अंदर में जो है डब्बा दिख रहा है ना डब्बे के अंदर में वैसे छोटे 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 ये रखे हुए है तो सेंट्रफ्यूज मशीन से अलग अलग करते तो दिस इज़ द वन ऑफ द टेक्निक फॉर आई मीन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ओके अब दूसरा ये तो हो गया मिल्क को कैसे सेपरेट करते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसा अपने को बताइए एक्चुअली मिल्क को सेपरेट करना ये जो सेंट्रिफ्यूज मशीन को यूज़ कर रहे हैं न एक्चुअली पैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूरिन है ब्लड है इसके सैंपल को इसके कर लिया या घर में फिर मैंने भी बताया ना घर में डेयरी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए बटर क्रीम वगैरह इसके लिए यूज़ करते हैं चलो एनी वे इफ़ अदर कंपोनेंट्स विच आर टू इसीबल्स लिक्विड्स यानी दो इमिबल लिक्विड इमिसिबल मतलब आपस में मिक्स नहीं होते सो दैट लिक्विड्स आर नॉट मिक्सिंग विद जैसे ऑयल और पानी ऑयल और पानी ये मिक्स नहीं होते कभी भी ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे दिस इज आल्सो टास्क तो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है क्योंकि इमिसिबल लिक्विड को आपस में अच्छे से मिक्स करना और बाद में चुपचाप रख देना सेटल होने तक उनको जैसे ही चुपचाप रख देंगे 24 घंटे के लिए तो वो उनके दो लेयर आ जाती हैं एक ऐसे फनल होते हैं जिसका नाम है सेपरेटिंग फनेल इसका नाम है सेपरेटिंग फनेल इस सेपरेटिंग फनेल में देखिए इफ़ यू हैव द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर यू हैव द मिक्सर ऑफ केरोसिन एंड वाटर यू जस्ट कीप 24 फोर आवर्स जैसे कि वैसा रखो सो so आफ्टर 24 फोर आवर्स यू विल फाइंड द वाटर इज एट बॉटम एंड द केरोसिन अबाउट द वाटर दो अलग अलग लेयर दिखेंगे आपको कितना ईजी है सेपरेटिंग फनने से नीचे का जो स्टॉप है उसको खोलो वाटर वाटर निकाल लो केरोसिन ऊपर रहेगा सो ऑइल एंड वाटर दैट आर नॉट मिसिबल तो इनमिबल लिक्विड को अलग अलग करने की ये जो टेक्निक है ये है सेपरेटिंग फनल वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन थी ये सेपरेटिंग फनल इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसा हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड ये एक एग्जांपल दिया साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बट वी हैव द डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो अमोनियम क्लोराइड सबको पता है अमोनियम क्लोराइड दैट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऐसे कुछ है जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं जैसे कैंपर है कैम्फर को कभी लिक्विड बनते देखा गया हमें नहीं वैसे हमको पता है कि एनी सॉलिड वेन हीटेड इट मेल्ट लेकिन कैम्फर का ऐसा नहीं होता नेपथेलिन बॉल है इसका ऐसा नहीं होता दैट गेट डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू द गैसेस सो देर आर सम कंपोनेंट्स सम होलेटाइल कंपोनेंट्स विच आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द कन्वर्टेड इन द गैसे स्टेट तो अगर ऐसे है जो डायरेक्टली सॉलिड से सीधे सीधे गैस हो रहे लिक्विड नहीं हो रहे तो हम उसको बॉयल भी नहीं कर सकते ना बॉयल करके इवेपोरेट नहीं कर सकते बॉयल नहीं कर सकते ऐसे इसमें क्या करेंगे ऐसे इसमें जो भी कंपोनेंट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं है ना अपने को हमने पहले चैप्टर में देखा है उसके बारे में तो उस प्रोसेस को बोलते सब्लिमेशन सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसी है ये ऐसे देखते इसको देखो ये जो फिगर है ना इस फिगर को देखो इस सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या किया है एक चाइना डिश है वह चाइना डिश को ट्राईपॉट स्टैंड के ऊपर रखा है नीचे से बर्नर लगाएँ चाइना डिश में जो भी मटेरियल जिसको अलग अलग करना है जैसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट साल्ट तो डायरेक्ट लिक्विड होगा और अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस बन जाएगा तो चाइना डिश में उसको रखा है उसके ऊपर इन्वर्टेड फनैल रखा है उल्टी करके फ़नेल रखे और हमको पता है कि नीचे से गर्म करेंगे तो क्या होगा वेपर्स बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे सीधे ऊपर निकल जाएगी फनेल्स से तो फनेल से सीधे सीधे ऊपर नहीं निकलना चाहिए स्टॉप होना चाहिए ना अब अलग अलग ना से हवा में चले जाएंगे तो चलेगा क्या नहीं चलता तो उसको क्या कॉटन प्लग कॉटन प्लग को वहाँ पे लगा के रखा है उसके शेंडी में ऊपर में वो कॉटन प्लग को लगाने से क्या होता है कि जो पर्च में ही रुक जाएगी और वो फनील के आजू बाजू में जाके सॉलिडिफाई हो जाएगी इस तरह अपने को अमोनियम क्लोराइड अलग मिलेगा सॉलिड स्टेट में और जो साल्ट है वो अलग मिलेगा चाइना डिश में सो दिस प्रोसेस इज द सेपरेशन बाय सब्लिमेशन दिस प्रोसेस इज द सब्लिमेशन सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन अगर आपको अमोनियम क्लोराइड की जगह अगर नेपथेलिन बॉल भी दे दिए जाए साल्ट के साथ या सैंड और आपको कैम्फर का मिक्सर अगर है तो ऐसे इसमें भी इसको सब्लिमेशन से ही सब्लिमेशन से ही अलग कर सकते हैं इसको आप लोगों को ध्यान रखना है मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए सब्लिमेशन में उसके बाद है इज द डाई इन ब्लैक इंक इट सिंगल इन कलर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑरेंज कलर इज मेड अप ऑफ ऑरेंज कलर इज मेड अप ऑफ टू कलर विच टू कलर ऑरेंज कलर इज मेड अप ऑफ विच टू कलर रेड एंड येलो तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि इसको क्या बोलते हैं हम स्पाइनेच पालक पालक है ना पालक पालक जी ना पालक के सब्जी को जो ग्रीन कलर के पत्ते उसको अगर कूटेंगे हम लोग उसका अगर रस निकालेंगे मतलब है ना तो उसमें भी देखो बहुत सारे कंटेंट होते हैं तो ये जो कंटेंट है इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं इंक में जो दो इंक मिक्स है उसको अलग अलग कर सकते हैं तो क्यों अलग कैसे 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 अलग कर सकते हैं हम उसको अलग अलग करने के क्या तरीका है कैसे कैसे इंक में से दो इंक को हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं अब ये क्या है मालूम है आपको भले ही दो दैट इंक कंटेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स दो दैट इंक कंटेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स टू डिफरेंट इंक मिक्स अदर लेकिन अगर जैसे अपने काम करते ना समझने के लिए अतः अभी ऐसा समझो कि तुम यानी तुम्हारा कोई भी दोस्त है तुम दो दोनों दो खास खास आपस में मिलके रहते एक जस्ट थिंक दो दोस्त मिलके आपस में बहुत बढ़िया रहते हैं हमेशा मिलके रहते हैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का लेकिन अगर उनको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा बड़े पानी में नदी में अगर तैरना है तो फिर अपना अपना तैरना शुरू कर देंगे ना किसी का स्पीड कम होगा किसी का ज़्यादा होगा दोनों का एक्सरे का कैसे हो सकता बस यही कंसेप्ट है यहाँ पर सो दैट मिक्सचर ऑफ इंक दैट मिक्सचर ऑफ इंक कैन नॉट हैव द फ्लोइंग रेट कॉमन

इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप पेपर क्रोमेटोग्राफी जो पेपर को यूज़ करके करते हैं एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में दिया हुआ है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी सबको पता है देखो बहुत बढ़िया है मस्त मजेदार ये है देखो आप इसको देखो इस फिगर को अच्छे से देखो क्या करते हैं मालूम है क्या इसको ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है ये पेपर है पेपर को नीचे एक लाइन बनाइए पेंसिल से नीचे एक पेंसिल से लाइन बनाइए और जिस इंक को जिस इंक को अपने को सेपरेट करना है उस इंक का स्पॉट इस लाइन पे बनाते देखो लाइन के नीचे थोड़ा पेपर है लाइन के ऊपर ज्यादा पेपर है लाइन के नीचे छोटा पेपर है मतलब पेपर का कम पोर्शन नीचे है और लाइन के ऊपर ज़्यादा पोर्शन है तो क्या होता है जो स्पॉट है वो लाइन के ऊपर रखेंगे लाइन मतलब जैसे दौड़ है समझ लो कोई भी मैराथन दौड़ है समझ लो या फिर जो भी चार सौ मीटर सौ मीटर की दौड़ है तो एक लाइन रहती है ना दौड़ने वाली फिर दौड़ने वाली लाइन पे ऐसे खड़े रहते हैं फिर वो नीचे झुक के फिर ऐसे पैर फिर एकदम से जैसे उनको स्टार्ट बोलते वन टू थ्री स्टार्ट बोलते तो भागना शुरू कर देते हो बस वैसे ही यहाँ पर पे क्या है वो स्पॉट पे अब यानी जो स्पॉट है वो लाइन के ऊपर स्पॉट रख बनाया है और ये स्पॉट बनाने के बाद इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को ये जो नीचे वाला पोर्शन है स्पॉट के नीचे वाला थोड़ा सा फिल्टर पेपर का पोर्शन है ये किसी सोल्यूशन में थोड़ा सा डिप करेंगे थोड़ा सा डिप करने से क्या होगा फिल्टर पेपर है फिल्टर पेपर, पेपर एबसर्व करता है फिल्टर पेपर ऐपसर्व करते हैं ना पानी पानी एब्सर्व करेगा तो फ़िल्टर पेपर तो ऊपर 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 तो पानी को लेके जाएगा तो जब पानी को ऊपर ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा वो इंक को भी ऊपर लेके जाएगा देखो कैसे ये है? देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या किया है ध्यान दो जो स्पॉट है वो ऊपर है मतलब वो फिल्टर पेपर को क्या एक ग्लास जार में डाला है ये बड़ा वाला ग्लास जार है नीचे वाटर है वाटर में डालने से क्या होगा वो फिल्टर पेपर वाटर एब्सर्ब करेगा वाटर ऐप्स करने के बाद वो जो स्पॉट है इंक का इंक का स्पॉट धीरे धीरे ऊपर 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 जाना शुरू करेगा ऊपर ऊपर जैसे जाएगा फिल्टर के पे, पेपर के ऊपर तो उसमें जो दो अलग अलग इंक है अलग अलग इंक के दो अलग अलग इंक का रेट ऑफ फ्लो अलग अलग रहेगा तो अलग अलग ऐसे 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 अलग अलग अपने को उसके दो अलग अलग लाइन मिलेगी ऊपर में इस तरह हम वो फिल्टर पेपर के सहायता से एक इंक में जो दो मिक्स की हुई इंक है दैट मिक्सड इंक कैन शो बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस ये भी आपको ध्यान रखना है सो दैट इंक कैन शो बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस ओके सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी एंड द नेक्स्ट वन टेक्निक इफ़ टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स जैसा पानी है अल्कोहल है पानी में मान लो आपने कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट है जैसे नींबू का शरबत है वो मिक्स किया हुआ है समझ लो या फिर इनऑर्गेनिक कंटेंट है सारे के सारे लिक्विड है लेकिन सारे के सारे इनऑर्गेनिक है या सारे के सारे ऑर्गेनिक ऐसे जैसा एसिड है समझ लो पानी है ऐसे मिक्स किए हुए मान लो दो या दो से ज़्यादा भी मिक्स किए जैसा एक एग्जांपल समझते हैं जैसा हम अल्कोहल पानी का एग्जांपल बहुत बार लेते हैं बताने के लिए ठीक है तो जैसा और वाटर है समझ लो या और वाटर है या ना कोई भी एग्जाम्पल लो चलो समझने के लिए बेस्ट अल्कोहल और पानी अल्कोहल और पानी को अगर मिक्स करते हैं आप मुझे बताओ ऐसी क्या बात रहेगी ऐसी क्या बात है जो अल्कोहल और पानी को पानी के लिए अलग अलग है अल्कोहल और पानी के लिए क्या ऐसी कौन सी चीज है जो भिन्न है अलग अलग है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना सिंपल है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वाटर का बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इससे साफ समझ में आता है अगर वो मिक्स अपने पास में सोल्यूशन है मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का उसको अगर हम बॉइल करेंगे तो सबसे पहले क्या बॉयल होगा अल्कोहल होगा ना इसका मतलब सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे अल्कोहल के बनेंगे सिंपल है ना तो जब अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे वो अल्कोहल के वेपर्स को हमने अगर कंडेंस किया ठंडा किया और उधर अलग दूसरी जगह जमा किया तो क्या होगा अल्कोहल ही मिलेगा ना पानी तो बॉयल होने को ही है अब देखो ये ये फिगर दी हुई है आपको इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन जिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन इस प्रोसेस में क्या किया हुआ है दिस द वेरी सिंपल और बेस्ट प्रोसेस देखो क्या किया इसमें दैट मिक्सचर ऑफ एसिडोन वाटर या अल्कोहल अल्कोहला वाटर जो भी वो मिक्सचर को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया हुआ है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया है मिक्सचर को नीचे जो वायर गॉस के ऊपर और नीचे ट्राइपोड स्टैंड है वायर गॉस है और नीचे बर्नर है बर्नर को लगा दिया ये राउंड बॉटम फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगाया किसके लिए वो देखने के लिए टेम्परेचर क्योंकि हमको मालूम है कि इफ़ दिस सोल्यूशन इज ऑफ एसिडोन एंड वाटर एसिडोन हैज द बॉइलिंग पॉइंट लेस बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर इसका मतलब एसिडून के बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे या उसको गर्म कर रहे हैं ना हम नीचे से गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ देखेंगे अरे कितना होगा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आया जैसे एसिड का बॉइलिंग पॉइंट आए तो क्या होगा एसिडन का जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो क्या होगा एसीटोन नेचुरली बॉयल होगा तो एसीटोन बॉयल होगा तो क्या होगा यहाँ से जो एसीटोन के वेपर्स आएंगे वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इस ट्यूब से इधर आएंगे इस ट्यूब से इधर आएंगे इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब और यहाँ ट्यूब के दोनों साइड से ऐसा ये बनाया हुआ है कंडेंसर जिसको बोलते हैं पानी दोनों साइड से घूमेगा तो पानी घूमने से क्या होगा वो ठंडे हो जाएंगे वेपर्स और वेपर्स ठंडे होंगे ऐसे ड्रॉप्स ड्रॉप्स करके यहाँ पर इसको कलेक्ट कर सकते हैं एसीटोन को देखो समझो ये कंडेंसर है वाटर कंडेंसर इसके दोनों साइड में क्योंकि वेपर्स आ रही है दोनों साइड में पानी ऐसा घूम रहा है पानी इधर से जा रहा है ठंडा पानी उधर से पानी आ रहा है तो ऊपर से जो वेपर्स है यहाँ से ये यह जो वेपर्स आ गई उस टेम्परेचर तेम, को चेक किया हमने एसिडोन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया इसका अर्थ हुआ एसिडोन बॉयल हो रहा है एसिडोन बॉयल हो रहा है तो एसिडोन यहाँ की वेपर्स यहाँ से आएगी वेपर्स को यहाँ से वाटर कंडेंसर से ठंडा किया वे पसठ ठंडी होकर वो लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर एसीटोन जम जाएगा और यहाँ एसीटोन यानी आना शुरू हो गया तो तब तक एसीटोन आना शुरू रहेगा जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे फिर टेम्परेचर उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे जब तक एसीटोन ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ ड्रॉप ड्रॉप आना उसके बाद समझ जाना कि जो ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें जो बचा हुआ वाटर था खत्म कितना ईजी है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिस्टलेशन सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन अब एक बात आती है कि मान लो जैसा यहां पर दो ही का मिक्सर है मिक्सर ऑफ एसिड ऑन एंड वाटर ऑनली अगर मान लो दो या दो से ज्यादा का मिक्सर है तो कैसे करेंगे दो या दो से ज्यादा का मिक्सर है तो कैसे करेंगे जैसा हवा है हवा में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के गैसेस हैं उसका मिक्सर है जैसे पेट्रोलियम है पेट्रोलियम में केरोसिन भी है डीजल भी है नेपथा भी है पेट्रोल भी है गैसोलिन भी है इसको कैसे करेंगे तो तो हमने क्या किया? सिंपल डिस्टिलेशन तो था यहां तो सिंपल डिस्टिलेशन था वहां क्या रहेगा अलग अलग छोटे छोटे फ्रैक्शंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग निकालना अलग अलग सेपरेट करना सो दैट फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स विच आर देयर इन द सॉल्यूशन दैट आल्सो कैन बी सेपरेटेड अगर ज्यादा रहेंगे ये दो तो जैसा दो दिए दो में से ज्यादा रहेंगे उनको भी कर सकते तो उसको बोलते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसको हम दूसरे वीडियो